साथियों, आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो को लेकर आए हैं। यह एक महत्वपूर्ण सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें और प्रत्येक श्रृंखला में 10 प्रश्न होंगे। तो ये जनरल साइंस सुपर 10 के नाम से आरंभ की गई श्रृंखला है। ये चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे एसएससी का हो, या विभिन्न पीसीएस के एग्ज़ाम्स हों, इन सभी में विज्ञान का बहुत महत्व है। इसलिए इन विज्ञान के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं हम जनरल साइंस सुपर 10। पहला प्रश्न है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो बताएं साथियों, इसका क्या सही आंसर हो सकता है? मीथेन व ब्यूटेन, ब्यूटेन व प्रोपेन, मीथेन व प्रोपेन, हाइड्रोजन व प्रोपेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मीथेन व ब्यूटेन। यह एलपीजी में महत्वपूर्ण गैस होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सीएफसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी है। इसका उपयोग प्रशीतक रेफ्रिजरेटर के रूप में होता है। यह एक प्रकार की फ्रियोन है। इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका उपयोग फलों के रस के संरक्षण में किया जाता है। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इसका उपयोग फलों के रस के संरक्षण में किया जाता है। यह बात गलत है। बाकी ए, बी और सी, ये तीनों सीएफसी के लिए सत्य कथन है। भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 को कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड से कौन सी गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ये कई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। डाइक्लोरोडाई इथाइल सल्फाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, ल्यूसाइट क्लोरोपिक्रिन। तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको मिक भी कहते हैं। कई परीक्षाओं में सीधा सीधा भी प्रश्न आता है, मिक गैस का रिसाव कहाँ पर भारत में हुआ था? तो यह भोपाल में हुआ था, यूनियन कार्बाइड कंपनी में। फोटोग्राफी में नेगेटिव व पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में किस रसायन का उपयोग होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका सही आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल होती है? तो साधारण बातचीत में कितनी होती है? 15 से 20 डेसिबल, 16 से 70 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 70 से 80 डेसिबल। तो इसका सही आंसर है 30 से 40 डेसिबल। ऑडियोमीटर श्रवणमापी है या मनुष्य द्वारा ध्वनि के सुनने की क्षमता को मापने वाला यंत्र है, और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। साधारण बातचीत की तीव्रता में 30 से 40 डेसिबल होता है और फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल होता है। जोर से बातचीत की तीव्रता 50 से 60 होती है और जेट विमानों के तरंग की तीव्रता 140 से 50 डेसिबल होती है। ये कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको बहुत अच्छी तरह से समझना और याद करना चाहिए। छठा प्रश्न है, वायुमंडल में किस तत्व की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? एसिड रेन किसकी वजह से होती है? लेड के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन? तो इसका सही आंसर है सल्फर के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। एसिड रेन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसकी वजह से एसिड रेन होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट और नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन, ये विस्फोटक की तरह प्रयोग में आता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरणों में किया जाता है? रेडियो तरंगे,
सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर है अवरक्त तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद फूल कहलाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक कार्बनिक यौगिक है, इसे चाइनीज वाइट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मरहम, चेहरे की क्रीम तथा पेंट बनाने में होता है। जिंक सल्फाइड का प्रयोग स्फूर्ति तीप्त पर्दे बनाने में भी किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस, पूरी आँख। तो सही आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया में नेत्रदान कॉर्निया होता है। ये कॉर्निया है जो बाहरी आँख का बाहरी भाग होता है, और ये कॉर्निया है, ये आँख की पुतली है, ये आँख का लेंस है, ये आइरिश है, ये रेटिना है, ये प्रकाशिक तंतु और ये कांचा द्रव्य है। तो धन्यवाद साथियों, ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो तत्काल आपको मिलेगा। और इसके बाद 150 श्रृंखला में वीडियोज़ आएंगे। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। धन्यवाद।